नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ है। आज 17 मई सोमवार का दिन है। सबसे पहले सुर्खियां। उत्तर प्रदेश सरकार अंडर ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और पीजी के फर्स्ट ईयर समेत 30 लाख स्टूडेंट्स को बगैर परीक्षा के प्रमोट करने की तैयारी में है। दिल्ली और हरियाणा में लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया है। दोनों राज्यों में अब 24 मई तक पाबंदियां जारी रहेंगी। वहीं पंजाब 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर। डीआरडीओ की बनाई कोरोना दवा 2DG का पहला बैच लॉन्च होगा। रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री इसे लॉन्च करेंगे। चक्रवाती तूफान ताउते के गुजरात तट पर पहुंचने के आसार हैं। इसकी वजह से स्वराष्ट्र और कच्छ के समुद्र तट पर भी अलर्ट जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री शुरू हो गई है। ये 5 दिन तक खुली रहेगी। अब खबरें देश और दुनिया से। गुजरात और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों पर अरब सागर में बने चक्रवात ताउते का खतरा मंडरा रहा है। कर्नाटक के समुद्री सीमा से सटे 6 जिलों पर इसका काफी बुरा असर पड़ा है। इन जिलों में 73 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राज्य में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की स्वतंत्र जनरल क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज ने रविवार को कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के बारे में अच्छी खबर दी। उनकी स्टडी में दावा किया गया कि कोवैक्सीन भारत में पाए गए डबल म्यूटेंट सहित सभी तरह के कोरोना वेरिएंट के खिलाफ काफी हद तक प्रोटेक्शन देती है। कोरोना वैक्सीन पर छिड़ा पोस्टर विवाद सियासी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर किया। इस पर लिखा है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इसके साथ ही राहुल ने लिखा, मुझे भी गिरफ्तार करो। पोस्टर के लिए दिल्ली पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा के किनारे सैकड़ों शवों के मिलने के बाद केंद्र ने इस मामले में दखल दिया है। केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों से कहा है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में शव प्रवाहित करने पर रोक लगाई जाए, साथ ही शवों का सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से दाह संस्कार करने पर ध्यान दें। गांव में फैलते कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने रविवार को गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक आशा कार्यकर्ताओं को जुकाम बुखार की मॉनिटरिंग और CHC के अफसर को फोन पर केस देखने होंगे। इसके अलावा ANM को भी रैपिड एंटीजन टेस्ट की ट्रेनिंग दी जाने की बात कही गई है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 7 दिनों से जारी जंग में रविवार शाम तक 183 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 47 बच्चे शामिल हैं। मरने वालों में 10 इजरायली और बाकी 174 फिलिस्तीनी हैं। हमास इजराइल पर 2500 रॉकेट दाग चुका है। जवाब में इजराइल 700 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर चुका है। अब आज की पॉजिटिव खबर। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। ये एम्बुलेंस स्ट्रेचर, ऑक्सीजन किट, लाइट, फैन, आइसोलेशन कैबिन जैसी सुविधाओं से लैस है। इस एम्बुलेंस को फर्स्ट रिस्पॉन्डर नाम दिया गया है। फिलहाल पालघर जिला प्रशासन को ऐसी 2 बाइक एम्बुलेंस दी गई हैं। आज के लिए इतना ही। खबरों और अपडेट के लिए जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो।